नमस्कार दोस्तों, मैं राज प्रजापति गेट योर सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अंग्रेजी की बेसिक चीजें, और ये बेस ऐसा है दोस्तों जिस पर पूरी पूरी अंग्रेजी निर्भर करती है। अगर आप इस बेस को नहीं जानते हैं तो विश्वास करें, अंग्रेजी आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। ओके, जो मैं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल, दैट इज ट्रू। सो लेट अस सी फ्रेंड कि क्या है एक्चुअली अंग्रेजी का बेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो अंग्रेजी का बेस है वो है क्रियाएं। दोस्तों वर्ब्स आप जानते हैं, अगर आप वर्ब्स नहीं जानते हैं, अगर आप मीन्स अगर हमें नॉलेज नहीं है वर्ब्स का, तो यहाँ पे हम टेंस नहीं बता पाते हैं, क्योंकि पूरे पूरे टेंस क्रियाओं पर ही निर्भर करता है और क्रियाएं हैं टेंस बताती हैं। तो दोस्तों वर्ब्स को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ब्स नहीं पहचानते हैं, अगर हम लोग उस पहचानते नहीं आता है, तो बहुत बड़ी कमी सी रहेगी आपको, या फिर आप उसे रटेंगे सेंटेंस को, समझेंगे नहीं। अगर आप समझ लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्रियाएं। अच्छा दोस्तों, शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, या फिर क्रियाओं के कितने रूप होते हैं। क्या आप जानते हैं क्रियाओं के कितने रूप होते हैं? आप सोचिए कितने हो सकते हैं रूप। ठीक है, देखते हैं। आपने शायद सुना हो तीन रूप, शायद आपने क्रिया के तीन रूप सुने हो, शायद आपने देखा हो गो वेंट गॉन, आपने शायद ऐसा देखा हो। दोस्तों कुछ कमी है यहाँ पे। अगर आपने गो वेंट गॉन सुना हुआ तीन रूप, तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि यहाँ पे क्रियाओं के तीन रूप नहीं होते हैं, क्रियाओं के पांच रूप होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा कि क्रियाओं के पांच रूप होते हैं, और कौन कौन से हैं वो? तो क्रियाओं के पांच रूप हैं सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, इसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एंड देन आईएनजी फॉर्म। दोस्तों ये किसी भी क्रिया के पांच रूप होते हैं। अगर क्रियाओं के पांच रूप नहीं होते हैं तो वो क्रिया नहीं होगी। अगर किसी भी क्रिया के पांच रूप नहीं होते हैं तो वो क्रिया नहीं होगी। तो ये क्रियाओं के पांच रूप होते हैं। हाँ, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये देख लेते हैं। तो क्रियाएं होती हैं दोस्तों तीन प्रकार की। क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? एक होती है बी वर्ब। आपने बी वर्ब को सुना होगा, डेफिनेटली आपने सुना है। और इसे किस नाम से सुना है? इसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से सुना है। हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं इसे, ठीक है। तो दोस्तों इसे बी वर्ब कहिएगा। हेल्पिंग वर्ब क्यों कम बोले, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ज्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसे बी वर्ब बोला जाता है, ताकि इसे आप याद रख सकें बेहतर तरीके से। और डिटेल से देखते हैं हम आगे। दोस्तों एक तो था बी वर्ब, देन एक्शन वर्ब, देन पजेसिव वर्ब। तो ये तीन प्रकार होते हैं, और तीनों के पांच पांच रूप होते हैं दोस्तों, पांच पांच रूप तीनों के। तो ये बी वर्ब है, बी वर्ब का एक्चुअली पांच रूप, ऐसे हमने कहा सारी क्रियाओं के पांच पांच रूप होते हैं। तो देखिए बी वर्ब के पांच रूप हैं, ये पांच रूप बी वर्ब के हैं। सबसे पहला रूप किसी भी क्रिया का सबसे पहला रूप होता है रूट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं रूट सिंपल फॉर्म, मतलब जिससे सारी क्रियाएं बनी होती हैं, आने वाली क्रियाएं बनी होती हैं। तो ये रूट फॉर्म्स हैं दोस्तों। बी से बना हुआ है एम इज आर, मतलब बी का प्रेजेंट होता है एम इज आर, प्रेजेंट एम इज आर। आप इसे तो जानते होंगे, इसे आपने हेल्पिंग वर्ब कहा है, आप बोलते हैं भी हेल्पिंग वर्ब। तो बी का प्रेजेंट है एम इज आर, बी का पास्ट होता है वॉज वर्ब, एंड देन बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, एंड देन आईएनजी फॉर्म। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि आईएनजी फॉर्म हमेशा सिंपल फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म हमेशा सिंपल फॉर्म में ही आएगी। आप किसी प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पे गो लिखा हुआ है, लेकिन इस गो पे आप यहाँ पे गो का प्रेजेंट गो या गोज होता है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा फेस मिल जाता है, शक्ल मिल जाती है। ओके, तो यहाँ गो रूट फॉर्म है, गो से बना है गो या गोज। तो आप प्रेजेंट में आईएनजी नहीं लगा सकते दोस्तों। आपने इस वाले गो में आईएनजी नहीं देखा होगा, आपने इस वाले गोज में आईएनजी कभी नहीं देखा होगा, आप आईएनजी कभी नहीं देख सकते। वेंटिंग में आईएनजी कभी नहीं देख सकते आप, गोनिंग में आईएनजी आपको कभी नहीं मिलेगा। आईएनजी मिलेगा आपको केवल सिंपल फॉर्म में गो में, तो आईएनजी हमेशा गो सिंपल फॉर्म में लगती है। तो देखिए इसी प्रकार बी में आईएनजी लगी हुई है, बी में मतलब यहाँ बीइंग हुआ हुआ है। उसी प्रकार हैव, तो ये भी सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट हैव या हैज, आईएनजी फॉर्म कभी प्रेजेंट में नहीं लग सकती, आप कभी हैजिंग नहीं देखेंगे। तो देखिए हैजिंग हैविंग होगा, क्योंकि सिंपल फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो एक रूल हमेशा याद रखें आप, हमेशा बेहतर रूल है याद रखें कि आईएनजी हमेशा सिंपल फॉर्म में आती है। अगर आपको नहीं पता है कि एम इज आर का सिंपल फॉर्म क्या है, तो याद रखिए दोस्तों एम इज आर का सिंपल फॉर्म है रूट फॉर्म है बी, मतलब बी से बने हुए एम इज आर। अच्छा आप ये तो मानते हैं कि एम इज आर का पास्ट होता है वॉज वर, इतना तो हमने सुना होगा कि एम इज आर का पास्ट वॉज वर होता है। तो ये भी हमें मानना होगा कि एम इज आर बी से ही बने हुए हैं। ओके चले दोस्तों, ये तीनों क्रियाएं बहुत अलग अलग हैं, और तीनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अलग हैं। ये हमें देखना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हमें नहीं पता होगा तो सेंटेंस को हम रटेंगे, समझेंगे नहीं, और अगर हम समझेंगे नहीं तो हम सेंटेंस खुद से नहीं बना पाएंगे। अगर आप खुद से सेंटेंस बनाना चाहते हैं,
आप सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। आप पीछे कब हो जाते हैं, जब आपसे वोकैबुलरी आपको पता होती है लेकिन उस शब्द को सही जगह पे आप नहीं रख पाते हैं, तब आप उसको बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों ये दिक्कत होती है क्यों, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, आपको ये नहीं पता होता है कि क्रिया कहाँ आएगी, वर्ब्स कहाँ होंगे, प्रोनाउन कहाँ पे होगा, एडजेक्टिव कहाँ पे होंगे, एडवर्ब्स कैसे आएंगे। आपको अगर ये नहीं पता है तो आप उनको सही जगह पर रख नहीं पाएंगे, और अगर सेंटेंस को आप सही जगह पर रख नहीं पाएंगे दोस्तों, यकीन करें आपकी अंग्रेजी गलत होगी, आपकी अंग्रेजी वो महत्व नहीं रह जाएगा, वो रस नहीं जाएगा, सुनने में अंग्रेजी अच्छी नहीं लगेगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर किसके कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बी वर्ब, मतलब जैसा हमने कहा इसे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे फिलहाल, इसे हम कहेंगे बी वर्ब। दोस्तों हम देखते हैं बी वर्ब का स्ट्रक्चर की सेंटेंस कैसे बनता है। चले तो बी वर्ब का स्ट्रक्चर है दोस्तों, सबसे पहले आता है जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट, एंड देन इसके बाद आता है दोस्तों, आपने सुना होगा, इसके बाद आती है क्या वर्ब्स, इसके बाद वर्ब होगी, और वर्ब कौन सी दोस्तों, ये एमएसआर जिसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ओके दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब है, अच्छा कई बार तो इसको हम वर्ब ही नहीं मानते हैं, ऐसा कई बार हमने सुनने में आता है कि ये वर्ब ही नहीं है एक्चुअली। तो दोस्तों ये तो आपने माना है कि हेल्पिंग वर्ब, आप वर्ब तो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, वर्ब आपने जोड़ा हुआ है तो हेल्पिंग हटा दें फिलहाल के रूप में, इसे आप वर्ब कहें। ओके तो वर्ब, एंड देन इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये तीन चीजों से सेंटेंस बनता है, किसका एमएसआर का, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन कॉम्प्लीमेंट। ओके अच्छा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ चीजें भी आती हैं, जैसे कि आर्टिकल, देन एडजेक्टिव, देन नाउन, एंड देन प्लेस। दोस्तों ये चार चीजें आर्टिकल कॉम्प्लीमेंट के अंदर आती हैं, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दोस्तों समाप्ति, तो अंत में समाप्ति में आप जो रखना चाहें रख सकते हैं, इन चारों में से ऑप्शनल है, चारों कंपलसरी नहीं है, इसलिए इनको हमने एक लाइन से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि कंपलसरी नहीं है। ओके ये सारे ऑप्शनल है, आप चाहे तो एडजेक्टिव बस रख दें, सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव रख दें, आप चाहे तो सब्जेक्ट वर्ब नाउन बस रख दें, या चाहे तो सब्जेक्ट वर्ब आप प्लेस भी रख सकते हैं, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आपने देखा सब्जेक्ट रखकर, सब्जेक्ट हमने कहा आए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्रिया देखते हैं दोस्तों, तो कौन सी क्रिया आएगी, एमएसआर में से आई के साथ क्रिया आती है एम। दोस्तों इसको हम और डीपली देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको बेहतर पहचान हो सके सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का, तो इसके लिए हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर में सेंटेंस में शब्द जमाते कैसे हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एंड देन कॉम्प्लीमेंट में चार चीज ऑप्शनल है, आप जैसे रखना चाहें रख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आई एम, आप कह सकते हैं आई एम फाइन, तो फाइन तो एडजेक्टिव है, या फिर आप कह सकते हैं आई एम गुड, आपने विशेषता रख दी, आप चाहें तो नाउन भी रख सकते हो, नाउन रखेंगे तो आर्टिकल भी रखना होगा आपको, जैसे कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने आर्टिकल रखा, एडजेक्टिव एंड देन नाउन रख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और प्लेस भी रख सकते हैं और सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं आई एम अपस्टेयर्स, मैं छत में हूं, तो देखिए प्लेस बस रखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन प्लेस रखा हुआ है, ये तीनों चीज हमने नहीं रखी हुई है। तो दोस्तों ये चारों चीज कंपलसरी नहीं है, चारों में से आप जो रखना चाहें, जो आपकी सुविधा लगे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर होता है बी वर्ब का। और दोस्तों अगर आपने सुना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट आता है लेकिन ऑब्जेक्ट आता है एक्शन वर्ब में, मतलब कि जब आप काम करें तब एक ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, यहां तो हम किसी की बात कर रहे हैं, यहां तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि यहां पे कोई काम करने वाला नहीं है, कोई विषय है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बस है, करता नहीं यहां पे, इसीलिए करता नहीं तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा यहां पे। ओके तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों, यहां पे कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके चलिए ये तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड देन कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों हम सब्जेक्ट में फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हमें सब्जेक्ट नहीं पता है तो दोस्तों हमें प्रॉब्लम होगी क्रियाओं में कि कौन सी क्रिया लगाएं, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस क्रियाओं से संबंधित ही आते हैं। अगर टेंस देखेंगे तो टेंस भी डिपेंड होगा पूरी तरह से क्रियाओं पे, कि क्रिया में वर्ब एग्रीमेंट क्या है,
कौन सी क्रियाएं होंगी, किसके हिसाब से क्रियाएं होंगी, दोस्तों इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको बहुत डीपली बहुत ध्यान से देखना होगा, आपको बहुत ध्यान से सब्जेक्ट पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कैसे बनते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसके लिए हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे ताकि कहीं से भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, फिलहाल हम सब्जेक्ट पहचानना सीखते हैं दोस्तों। चले दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता क्या है। अच्छा, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले दोस्तों हम इसकी हिंदी देख लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। क्या आप जानते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? यस, आप शायद पहचान पा रहे हैं, इसकी दो हिंदियां हैं। एक तो दोस्तों इसकी दो हिंदियां हैं, एक तो कर्ता, दूसरा विषय। अच्छा, राइट हिंदी कौन सी होगी, क्योंकि अंग्रेजी में तो हम सब्जेक्ट ही कहेंगे, हिंदियां दो हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें कि इस यहाँ पर सब्जेक्ट को हम कहेंगे विषय, ना कि कर्ता। यहाँ ये कर्ता नहीं है दोस्तों, यहाँ विषय है। क्यों कर्ता नहीं है? क्योंकि कर्ता तो तब जब कोई काम करे, यहाँ तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। कर्ता एक्शन वर्ब में होगी दोस्तों, यहाँ पे एक्शन वर्ब मतलब कोई काम करना, आना जाना, खाना पीना, तो ये काम है। लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा तो कर्ता कहाँ से होगा? यहाँ तो हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे हमारी बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पे कर्ता ना होके विषय होगा। जैसे कि हमने कहा मेरा पेन बहुत अच्छा है, तो पेन कुछ नहीं कर रहा है, हम तो पेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये विषय है ना कि कर्ता। हमने कहा राम मेरा दोस्त है, तो राम कोई काम नहीं कर रहा है, राम की बात बस हो रही है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे विषय है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता विषय, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा भोपाल बहुत बड़ा शहर है, भोपाल में ये है, भोपाल में ऐसा है वैसा है, तो जो भी सेंटेंस बना रहे हैं हम भोपाल के बारे में बात कर रहे हैं, भोपाल कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये विषय है ना कि कर्ता। ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्ता और विषय में अंतर दोस्तों। तो ये यहाँ पे विषय कहा जाएगा ना कि कर्ता, क्योंकि कोई काम करे सो कर्ता, और जहां काम करे वहां ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है दोस्तों। आपने मोस्टली सेंटेंस सुने होंगे एक्शन वर्ब के, यहां करता होगा, यहां ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन हम बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मेन पूरी अंग्रेजी का बेस है बी वर्ब। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बदल जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। चले दोस्तों, तो यहाँ पे करता डिलीट कर देते हैं दिमाग से फिलहाल के लिए। दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं। दोस्तों सब्जेक्ट पहचानने का आसान तरीका है, पूरे सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं आपको ये देखना होगा। जैसे मैंने कहा ये राम भोपाल में रहता है, हमने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, तो पूरे सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं आपको ये पहचानना होगा। तो सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि अगर हम दोबारा सेंटेंस बनाएंगे तो हम दोबारा सेंटेंस बनाने में दिमाग पिक्चर किसकी बनेगी। जैसे मैंने कहा राम बहुत अच्छा लड़का है, वो भोपाल में है, तो दिमाग में कौन आ रहा है? राम। तो राम यहाँ सब्जेक्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब राम। हाँ दोस्तों, आपने किताब में शायद सुना हो कि सब्जेक्ट होता है राम, सीता, गीता, मोहन, इस प्रकार के एक एक शब्द के सब्जेक्ट देखे होंगे आपने। लेकिन दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आम जीवन में सब्जेक्ट एक शब्दों से ज्यादा भी होते हैं। जैसे कि हमने कहा राम का भाई मेरा दोस्त है, तो राम का भाई यहाँ पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों, है तो राम, क्योंकि पिक्चर उसी की बनेगी। लेकिन का भाई राम का, सॉरी एक्चुअली दोस्तों यहाँ राम का भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे भाई है दोस्तों, राम नहीं है। राम तो यहाँ रिलेशन बताने के लिए आया हुआ है कि भाई किसका, राम का, लेकिन वो रहेगा सब्जेक्ट के साथ ही, क्योंकि उसका रिलेटिव है, तो रिलेटिव साथ में रहेंगे। राम का भाई पूरा सब्जेक्ट है, राम का भाई, जैसे मैंने कहा था राम का भाई भोपाल में है, तो सब्जेक्ट पूरा है दोस्तों राम का भाई। ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाएगी क्रियाओं में कि कौन सी क्रिया लगाएं। इसीलिए आपको पहचाना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि मैंने कहा मेरा पैन का ढक्कन छोटा है, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? मेरे पैन का ढक्कन, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ढक्कन की, लेकिन मेरे पैन का ये जुड़ा हुआ है, ये इसका रिलेशन बता रहा है, पहचान बता रहा है, ताकि ये ढक्कन कन्फर्म हो सके कि यही इसी ढक्कन की बात हो रही है, मेरे पैन का ढक्कन, इसीलिए ये पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों। और बात करते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे घर का गेट बहुत बड़ा है, तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट क्या है आप पहचान पा रहे होंगे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गेट की। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलेशन बताने के लिए भी शब्द आए हुए हैं, जैसे कि मेरे घर का गेट, तो मेरे घर का गेट ही पूरा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, वो विशेषता है और क्रिया है उसमें, मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है। ओके, तो दोस्तों ये सब्जेक्ट है हमारा, आप पहचान पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या है दोस्तों।
चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्ट में आता क्या क्या है। तो दोस्तों सब्जेक्ट दो चीजों से बनता है, या तो दोस्तों सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट में कुछ नहीं हो सकता, केवल नाउन या प्रोनाउन। ध्यान रखें दोस्तों, माइंड में बिठा लें, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन मतलब नेम, संज्ञा नाम, मतलब या तो आप किसी व्यक्ति का नाम रख देंगे, वस्तु का नाम रख देंगे, जगह का नाम रख देंगे और उसकी चर्चा शुरू कर देंगे, दैट इज नाउन। और अगर नाम नहीं लेंगे तो आप प्रोनाउन लेंगे उसका, जैसे कि नाउन, जैसे हम नाउन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सुरेश मेरा दोस्त है, तो दोस्तों सुरेश तो एक नाम है, आपने सब्जेक्ट में नाम रखा, मीन्स नाम रखा और उसकी चर्चा शुरू कर दी, तो सुरेश एक नाम है। लेकिन हम सुरेश के बदले, सुरेश के नाम के बदले कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा वो मेरा दोस्त है, दोस्तों इस बार हमने नाम नहीं लिया, हमने कहा वो मेरा दोस्त है, सो दैट इज प्रोनाउन। नाम के बदले जो भी आए वो प्रोनाउन होता है, मतलब नाम को रिप्लेस कर दे, नाउन के दोहराव को रोक दे, वो होता है प्रोनाउन। तो दोस्तों सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन से, इसके अलावा सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ और आया या क्रिया आ गई, एडजेक्टिव आया, तो ध्यान रखें दोस्तों वो अपना काम छोड़ देंगे और वो काम करेंगे केवल नाउन का, केवल और केवल नाउन का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि वो नाउन की जगह पे आ गए हैं, तो जिसकी जगह पे आएंगे उसका काम शुरू कर देंगे। नाउन वो अपने हिसाब से, वो अपनी जो भी पहचान है वो खो देंगे वो। सो दोस्तों आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये हमारी बेसिक नॉलेज है दोस्तों, इसके बारे में हम दूसरा हमारा टॉपिक बनेगा। इसके अलावा हम नाउन को भी समझेंगे, ये हमारा अगला चैप्टर होगा कि नाउन क्या होता है, कैसे हम नाउन को पहचाने, कई प्रकार के नाउन होते हैं दोस्तों, बहुत आवश्यक है नाउन पहचानना, तो अगला टॉपिक हम नाउन का बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक द वीडियो ऑफ बेसिक इंग्लिश, और दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, MTS, CGL, CHSL और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे आपके होने वाले हैं, उसमें बहुत कीमती वीडियो है दोस्तों, बहुत ही फर्क पड़ेगा आपको। तो दोस्तों अगर आप हमारे और भी इस प्रकार के वीडियोस पाने चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल गेट योर सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले पा सकें। दोस्तों हम एक एक पॉइंट पे, एक एक सब्जेक्ट पे हम भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं और आपके सारी कन्फ्यूजन्स को दूर जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।